उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश भर में आयुष्मान भव अभियान चला रही है। इस अभियान में सरकार का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तियों को आयुष्मान योजना से जोड़ना है। इस योजना से प्रत्येक पंजीकृत परिवार के सदस्य आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट आयुष्मान भव योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए विधानसभा स्तर पर कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अभी तक लगभग 30 लाख व्यक्तियों को इस योजना से जोड़ना है। देहरादून से अविनीश गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जो आयुष्मान भव कार्यक्रम चल रहा है, जो आयुष्मान कार्ड है, वो राज्य के 100% लोगों को प्राप्त हो। राज्य के 100% लोग अपने स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखें और सरकार उनके स्वास्थ्य सुरक्षा का जो ध्यान रख रही है उसका वो लाभ उन लोगों को मिले। सरकार ने पहले ये राशन कार्ड पर 100% आयुष्मान कार्ड बनने का जो प्राविधान था उसको अब चुनाव पहचान पत्र जो हमारा वोटर आईडी है उस पर कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। और आजकल आयुष्मान भव के विधानसभा स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर कैंप लग रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर लग रहे हैं और इन सारे शिविरों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक वॉलंटियर बनकर लोगों को कैंप तक ले जाने का काम कर रहे हैं। अगर कोई छूटा हुआ है, कहीं मालूम चलता है, संज्ञान में आता है किसी का कार्ड नहीं बना है, तो उसकी वोटर आईडी लेकर आयुष्मान कार्ड बनाने का काम हो रहा है। 100% राज्य को आश्वासित करना है, ऐसा मुख्यमंत्री।